हे मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल टेक एंड मॉडिफिकेशन में, और मेरा नाम है प्रिंस। तो मेरे भाइयों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में ना बहुत ही मस्त चीज़ बताने वाला हूँ आपको। टॉप 5 ऐसे फ़ोन बताने वाला हूँ जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आते हैं। उन पाँचों फ़ोन की जितनी भी डिटेल्स आपको इस पूरी वीडियो में पता चल जाएगी, आपको और कहीं भी नहीं देखना पड़ेगा। और जो ये फ़ोन है, ये अभी तक सिर्फ 5 ही फ़ोन है जो पॉपअप कैमरा के साथ आते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो क्या करते हैं अब, सो लेट्स रोल द इंट्रो। मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो को देखने से पहले, और लाइक कर देना अगर आगे वीडियो अच्छी लगे तो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी फ़ोन बताने वाला हूँ वो कोई भी रैंक के हिसाब से नहीं लगाए हैं मैंने। सिंपली जो है आपको काउंटडाउन बताऊंगा कि कौन सा जो फ़ोन है कितने नंबर पे आया है, कोई भी इसमें जो है कंपैरिजन नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरी डिटेल जो है इन फ़ोन्स के बारे में पता चल जाएगी। और अगर इस वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ऐसी और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ को देखने के लिए ना क्या करना है, बहुत ही आसान काम, बस आपके एक उंगली का काम है, वो लाल वाला बटन जो है ना उसे दबा देना है, और साइड में एक ग्रे कलर का ना घंटा आएगा उसे जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी ऐसी और भी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस को मिस ना करने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ से मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहला फ़ोन है वो है ओप्पो F11 Pro। तो यही जो फर्स्ट फ़ोन था वो सबसे पहले यही निकला था पॉपअप कैमरा के साथ। दोस्तों, इसके स्पेक्स कुछ इस प्रकार हैं। ये आता है 22,990 रुपये की प्राइस रेंज के साथ। प्रोसेसर आपको इसमें मीडियाटेक का हेलियो P70 देखने के लिए मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी है, और 48+5 MP के डुअल कैमरा हैं, और सबसे मेन चीज़ 16 MP का पॉपअप कैमरा, यानी कि पहला ये फ़ोन था जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आया था 16 MP के। ठीक है, 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है, और जो FHD+ डिस्प्ले है वो आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, जो अगला फ़ोन होने वाला है वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हम पहुँच चुके हैं अपने जो अगले फ़ोन है, यानी कि नंबर 2 का जो फ़ोन है वो है OnePlus 7 Pro, यानी कि 53,000 रुपीज़ का जो ये फ़ोन है वो, जो कि इस कुछ इस प्रकार की जो है स्पेक्स में आता है। आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं वो स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट चिपसेट है। ठीक है, और इसमें जो आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है 48 MP का सोनी सेंसर के साथ, अल्ट्रा वाइड लेंस और टेलीफोटो के लिए। ठीक है, 3 लेंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसमें 4000 mAh की आपको बॉडी देखने के लिए मिल जाती है, और ग्लास बॉडी डिज़ाइन है, और 6.67 इंचेस की OLED डिस्प्ले है, यानी कि जो आपको कलर जो हो गए बिल्कुल मस्त दिखने वाले हैं, बिल्कुल फ़ोन से कतई बाहर ही आ जाएंगे इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी थी इस फ़ोन की स्पेक्स। और इसमें जो पॉपअप कैमरा है ना वो 32 MP का है पॉपअप कैमरा, जो कि 20 kg तक का जो है वेट उठा सकता है। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने जो काउंटडाउन है उसके तीसरे फ़ोन के पास, जो कि है Vivo 15 Pro। यानी कि ओप्पो के बाद वीवो ने भी अपना निकाल दिया है, तो वैसे ये दोनों एक ही मालिक की, तो कोई बात नहीं, मैं इसके भी आपको स्पेक्स बता देता हूँ। तो इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है वो 675 का है, 2 GHz का स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिल जाता है। इसका प्राइस है 26,990 रुपये, और इसमें ट्रिपल कैमरा देखने के लिए आपको मिल जाते हैं 48+8 और 5 का, और इसमें पॉपअप कैमरा है 32 MP का। तो यहाँ पे जो है हम पहुँच चुके हैं अपने फोर्थ फ़ोन के पास, जो कि है Realme X, जो कि इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये चाइना में लॉन्च हुआ है। तो वहीं से मैंने जो है इस फ़ोन की डिटेल्स निकाली हैं। तो इंडिया में दोस्तों इसका प्राइस हो सकता है कुछ 16 से 17 या 18 हज़ार रुपये के बीच में, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ तो मैं प्राइस सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्रोसेसर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है स्नैपड्रैगन 710, जो कि Realme 3 Pro में देखने के लिए मिलता है, और कैमरा मिलता है 3, यानी कि 3 कैमरा अब तो हर फ़ोन में आने लग गए हैं। 48 MP+5 का इसमें जो है 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा है इसमें जो है 16 MP का, और 3765 mAh की जो है बैटरी देखने के लिए मिल जाती है वॉक चार्ज के साथ, यानी कि ओप्पो और वीवो का इसमें वॉक चार्ज भी दिया गया है। 6.53 इंच की डिस्प्ले दिख जाती है, कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास
फाइव के साथ। अब आ चुके हैं हम दोस्तों अपने 5/5 काउंटडाउन पे, जो कि सबसे गदर काउंटडाउन है। तो वो कौन सा फ़ोन है, हम सबका फेवरेट ब्रांड रेडमी। दोस्तों रेडमी का K20 अभी तक कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ है। जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ इसकी लीक्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है वो है, हो सकता है किलर, जो कि OnePlus 7 Pro का, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिलेगा, 855 ट्रिपल कैमरा, पॉपअप कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का फुल डिस्प्ले मिलेगी आपको। यानी कि ये जो फ़ोन जब कभी भी लॉन्च होगा ना, आग लगाने वाला है, सही बता रहा हूँ मैं इस बात को। तो आग से बचने के लिए अपने पास ना पानी जरूर रखना, बहुत ही गंदा जोक था ये, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो क्या करते हैं, ठीक है, दिल है मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाल वाला बटन दबा के, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई मुझे वीडियो को लाइक करे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अपनी राय जो है मुझे कमेंट में बताना, इनमें से कोई सा ही फ़ोन आप ओन करते हो तो वही मुझे कमेंट में बता देना एक बार, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जानने में। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।